डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी, उत्तरकाशी तो गंगोत्री नूं जांदिआं नूं हरशिल तो लगभग 10-15 किलोमीटर अगे गंगोत्री तो पहला एक जगह आउंदी आ लंका। ये देख सकते हो लंका ब्रिज बनाया उन्होंने। ये कह रहे हैं कि एशिया का हाईएस्ट ब्रिज आ, लगभग 9000 फिट के उत्ते आ। तो इतों एक रस्ता जाता है, देखो तुम लैफ्ट साइड से गरतांग गली का। गरतांग गली पुराने समय के इंडो तिब्बत ट्रेड रूट रहा आ, जो आप अज दिखावे। प्रवेश द्वार गरतांग गली, पहले एंट्री भी करानी पैनी। कहाँ पर व्यापार था? ऊपर है बॉर्डर, ऊपर यहाँ से अपना 60-70 किलोमीटर दूर है ना बॉर्डर। अच्छा, तो वहाँ पे मंडी लगती थी। अच्छा, तिब्बत के लोग और इंडियन के लोग सेंटर में जाते थे। अच्छा, एक्सचेंज करते थे अपने। ठीक है भाई, इतों एंट्री करा के ते आ एंट्री द्वारा गरतांग गली दे इतों आप जावांगे, ट्रैकिंग करांगे 2 किलोमीटर की। आ होया रूट शुरू गरतांग गली दा, नाल अपने वग रही है भागीरथी यानी कि गंगा रिवर। आ चलांगे आपां हुण इधर नूं, ट्रैक है भी खतरनाक ही आ, 9000 फिट। बाले विशाल पत्थर ने। चढ़ी जा रहे चढ़ाइया, 2 किलोमीटर पेंडिंग है। इधर आ रहे हैं पंकज जी, आ उदा शामे जमी हुई है ना। हवा तो बड़ी तेज आ। बारिश की संभावना फुल लग रही है, तो आप थोड़ा तेज जाने की कोशिश करते हैं जिन्ना हो सकता, बाकी तो रब दे हाथी है। अस्टिक साढ़े नाल आए थे सारे अज। किदां फिर ट्रैक्टर बना के छड़ना अज? चलो 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 चलो, क्या बात है, छा गया भी मुंडा। उत्तराखंड दे विच देवदार दे दरख्त आम ही तुहानू देखण नू मिलणा। देखो जिदां हिमालयन सदार भी कहिंदे ने, देखो इहदा फ्रूट आया। मैं थल्ले जा के दिखाउणा हौली हौली। देवदार दा फ्रूट आ, अपना देवदार ना बन जाए दिखाते दिखाते। ये वड्डा हो गया ना, ब्राउन जहा होता, एडे एडे देखते होने, एडे एडे काफी फ्रूट होंगे। निकलता भी है भाई कुछ की बनता है? हो सकता है, कई कहते हैं कि अपना ये चो नेजे जो निकल। देखो ट्रैक आप इन्ना ईजी भी नहीं मन सकते, कित कित थोड़ा टफ आ जाता, पथरीला रस्ता। आ देखो पैर संभाल के चलना पैंदा। कित कित तो बड़ी स्टीप आ, पत्थर तो बहुत तंग करते, तो हौली हौली आवे बंदा। कैमरामैन कठाइयों कैमरामैन कठाइयों से खेलते हुए भराल ब्लू शीप कोरिडोर। कोई नहीं लंघ जाने यार, असीं कहड़ा रोकदे इत्थे आ कोरिडोर ब्लू शीप दा। इधरों जंगल दे विच चुप नहीं रहना चाहिए है भाई। गल तां सही है, कहिंदे भालू वगैरह ना भज जांदे आ आवाज सुन के, इस करके करते रहो अलग निरंजन।
पानी दे भी नेड़े आ गए हैं ते गरतांग गली दे भी। एशियंट इंडो तिब्बत रूट ट्रेड रूट ते आपा पहुंच चुके हैं। लकड़ी की सीढ़ी पर जाने हेतु नियम आ देखो हुण इत्थों सारे जिहड़े ट्रैक्स है ना आपा प्रोपर पत्थरां उत्ते करदे आ रहे सी, बट हुण जिहड़ा थल्ले वाला ट्रैक आ इह सारा लकड़ी दा आ। आपां लकड़ी दे उत्ते चलांगे, लगभग 150 मीटर होना मेरे ख्याल च ना, 125-150 मीटर हैगा आ। आजो देखते हैं, ये पूरा लकड़ी का ट्रैक आ, बिल्कुल नदी के नाल नाल चल रहा। देखो किदां थले पूरा खाली आ, लगभग 50-60 मीटर आ गए हैं। तो गुड़ की सस्पेंशन तो अज तक बरकरार ही रहे क्योंकि साढ़े दोनों तो अलावा कोई इतने है नहीं, है नहीं। पता नहीं लगना। अच्छा नीचे देखो गंगा, हाय हाय हाय, देखते हैं अगे तक कि करो। चलो आ जाओ, इतने आगे बंद हो गया। मतलब पुराने टाइम दे विच इदी लकड़ी का पुल बनाया हुंदा सी, इन्होंने दोबारा रीकंस्ट्रक्ट किया आ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। तो इदी ये तिब्बत नू, तिब्बतों इंडिया नू, ते इंडिया वाले लोग तिब्बत नू जांदे सीगे, ये मेनली ट्रेड रूट ही सीगा। आ तुसीं देख सकदे हो व्यू पूरा, अहीं अपना उधरों दी अपना जिहड़े तिब्बती लोग ने हर्षिल वैली दे विच आके भी वसे ने, अपना उन्होंने भगोरी विलेज बनाया उत्थे अपना। तो मे बी हो सकता कि कनैक्टिविटी यही होवे उन्हां दी उस टाइम। बिल्कुल, तो बहुत वधिया। लो जी वापसी करते हुए, अजीब किरली के दर्शन होते हुए। प्रभु ये पैर भी नीले जे, पूरी तरह का बस सेब ही सेब। सेब आप ले लिया बाग तो, आ रहा बाग आ लिया इस बाग चो ले सेब आप थले तक बाग ही बाग सेबां का। गंगोत्री तो वापस जाते एक लोकल शॉप आ, वैजिटेबल्स बेच रहे ने, मूलियाँ लोकल कद्दू कद्दू गाँव कौन सा गाँव है ये? मराड़। इधर आ जा, कौन सा गाँव है? मराड़। मराड़, अच्छा डिस्ट्रिक्ट देहरादून काफी मिल जाणगीआं शॉप्स, इदां लोकल जिहड़े इत्थे सब्जियां गा रहे आ बंदे उह बेच रहे ने। बाकी मूली दी मिठास च भी काफी फर्क आ, क्योंकि मिट्टी दा फर्क पै जांदा। केड़े केड़े जानवर आ इधर, कौन कौन से जानवर आप बता रहे हो? जानवर तो यहाँ भालू है, भाग है, अच्छा सुअर है, अच्छा बाग 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 तो घर तक आता है, हमारे घर से पशुओं को उठा के ले आता बाग। तेरे मेरे अभी जो है अभी 2 महीने पहले मेरे 2 बैलों को मार गया यहीं थोड़ा सा आगे खेतों में, 2 बैलों। अच्छा